एक बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। दिल्ली में संसदीय दल की बैठक रखी गई है, तो ये बड़ी बैठक होने जा रही है। एमपी छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर इसमें चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, बड़ी खास ये बैठक होगी। दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है, संसदीय दल की बैठक होगी। और संसदीय दल की बैठक में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर चर्चा होगी। लगातार जो है चर्चाओं का दौर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगा हुआ है, और इसी बीच ये बड़ी बैठक आज होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से नाम कई सारे हैं, अभी भी मुहर लगना बाकी है। संसदीय दल की बैठक के जरिए लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो 4 से 5 नामों का पैनल डिसाइड हुआ है, उसमें से किसी एक नाम को चुना जाए। हो सकता है कि सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम को लेकर भी बातचीत चल रही हो। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों को लेकर सीएम फेस पर चर्चा, तथा छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान भी है। तीनों राज्यों में कौन मुखिया होगा, ये देखने वाली बात। और संसदीय दल की बैठक के जरिए एकमत बनाने की कोशिश, हो सकता है कि अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं को मनाने की कोशिश भी करेगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब भी सस्पेंस बना हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम के चेहरे पर जल्द ही फैसला हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने सांसद पद से इस्तीफा दिया है। कहा यह भी है कि जल्द ही सीएम के चेहरे पर फैसला होने वाला है। और कुनकुरी से नवनिर्वाचित विधायक विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि जल्द ही सीएम का फैसला हो जाएगा। पर्यवेक्षक जल्द ही विधायकों की बैठक लेंगे। तो वहीं दूसरी ओर जीतने वाले तीनों सांसदों अरुण साव और गोमती साय ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया और हम सब के प्रयत्नों से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में सरकार का गठन हो जाएगा। देखिए, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ और पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। हम 30 वर्षों के दौरान में 2 बार विधायक, 4 बार सांसद रह चुके हैं। पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व 3-3 बार मिला है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में MOS का भी दायित्व हमने निभाया है। तो पार्टी ने बहुत दिया है और पार्टी का हर आदेश हम मानते हैं और आगे भी जो आदेश होगा हम मानेंगे। और भाजपा नेता नारायणपुर से नवनिर्वाचित विधायक केदार कश्यप, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता सीएम फेस हो सकता है। विधायक केदार कश्यप आदिवासी मुख्यमंत्री के सवाल पर बोले हैं कि जात पात धर्म नहीं, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता सीएम हो सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री का चेहरा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो किसी से भी पूछा जाए इस बारे में तो साफ तौर से हर किसी का यही बयान आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, कोई भी सीएम फेस हो सकता है। ऐप की चर्चा लगातार रही, कई अब पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? अब आपकी सरकार आ गई है तो महादेव ऐप को लेकर भी कार्रवाई होगी? देखिए, आगे देखिए, आगे बहुत कुछ होगा। जो जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो यहां पर लोगों को लूटने का काम हुआ है, जिस तरीके से लोगों के परिवार को बर्बाद करने की कोशिश हुई है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो निश्चित तौर पर होगी। जी बिल्कुल, अभी संगठन लगातार वहाँ दिल्ली में बैठक चल रहा है, अभी विधायक दल की बैठक होनी है, पर्यवेक्षक भी आने वाले हैं, तो संगठन से आप लोगों की अभी चर्चा कुछ हुई है इस बारे में? देखिए, अभी प्रदेश संगठन नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसके बाद जो पर्यवेक्षक नियुक्त होगा, ये सब प्रक्रिया है। और अभी तो सभी चुनाव जीत के आए हैं, सभी अपने जीत की खुशी मना रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो अभी जीत की खुशी सबके साथ में है। और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उसके बाद फिर पर्यवेक्षक होगा और आगे की कार्रवाई अब देखते जाइए। केदार जी, अंतिम सवाल है कि सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा चल रही है लगातार, और चर्चा इस बात की है कि क्या आदिवासी मुख्यमंत्री एक चेहरा होना चाहिए, तो आदिवासी आप एक चेहरा, एक बड़े नेता हैं आप, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो चर्चा तो चलेगी ही, और
मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी का होगा, और भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म, जाति या फिर समुदाय के आधार पर अपना मुख्यमंत्री नहीं चुनती, और बल्कि लोगों का विकास पहली प्राथमिकता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी मुख्यमंत्री हो, सरकार की पहली प्राथमिकता ये रहे कि लोगों के हित में काम करे, छत्तीसगढ़ के हित में काम करे। तो ये थे केदार कश्यप, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर तो चलेगा ही, वहीं पैमाना विकास होगा छत्तीसगढ़ के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी। उन्होंने ये भी कहा कि फाइलों पर बैक डेट में हस्ताक्षर किया जा रहा है, जो भी सीएम बनेगा इसकी विवेचना करेगा। रमन सिंह का ये भी कहना है कि सरकार के गठन तक नए निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, लेकिन आगे होने वाली कार्रवाई को लेकर संकेत जरूर दिया है रमन सिंह। पूर्व सीएम रमन सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान, साथ ही साथ ट्वीट के जरिए भी इस ओर संकेत कि आने वाले समय में सख्त कार्रवाई पिछली सरकार पर भी कर सकते हैं। जो प्रशासनिक क्षेत्र से जानकारियां छन के आ रही थी और वो चिंताजनक है प्रदेश के लिए कि 3 तारीख के डेट में कुछ वित्तीय विषय को लेकर और कुछ अन्य विषय को लेकर फाइलें बैक डेट में कराई जा रही है, और इसमें काफ़ी सारी फाइलें जो 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, वो मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन न हो जाए कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते, और ऐसे काल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दी। और अब कांकेर का जिक्र करेंगे जहां इनामी नक्सली गिरफ्तार हो चुका है। छत्तीसगढ़ से लगी महाराष्ट्र सीमा पर नक्सली की गिरफ्तारी हुई है और नक्सली पर 2 लाख का इनाम घोषित था। सीआरपीएफ और विशेष पुलिस बल की निगरानी कर रहे नक्सली को सर्चिंग के दौरान पकड़ा गया है। गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार नक्सल सक्रियता जिसे लेकर जानकारी कांकेर से सामने आ रही है। इससे पहले भी चुनावी समय होने के चलते भी नक्सल की सक्रियता बढ़ी, लेकिन एक बार फिर से सर्चिंग तेज की गई है जवानों की तरफ से। गढ़चिरौली पुलिस सुरक्षा बल के जवान लगातार कोशिश करते हुए कि जितने भी नक्सली सक्रियता दिखा रहे हैं उनके क्षेत्र में पहुंचकर उन्हें पकड़ा जाए। और एक और बड़ी सफलता, इनामी नक्सली जिसके सर पर 2 लाख रुपए का इनाम था उसे पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। लगातार नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश, उनके स्मारकों को ध्वस्त करने का प्रयास सुरक्षा बलों की तरफ से किया जाता है। महाराष्ट्र सीमा पर गिरफ्तार किया गया है। सर्चिंग ऑपरेशन अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार जारी है। कांकेर को लेकर यह सूचना है। इससे पहले भी नक्सली घटनाएं यहां से सामने आती रही और एक बार फिर से जब बौखलाहट नक्सलियों के सामने आ रही है तो दूसरी तरफ जवान भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये दर्शाता है ये सिलसिला जिसमें कार्रवाई के दौरान 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग नक्सली जिनसे अपील भी की जाती है कि मुख्यधारा से अगर जुड़ते हैं तो सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, लेकिन नहीं मानने पर इस प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं। नक्सली सामग्री जब्त की गई, 2 लाख का इनामी नक्सली अब सुरक्षा बलों की गिरफ्तार। तो 2 लाख के नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जवानों की ओर से चलाया जाता है और इसी तरह के बड़े नक्सली पकड़ाए जाते हैं और इसी बीच ये 2 लाख का इनामी नक्सली जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र सीमा से इसे गिरफ्तार किया गया है। इस पर 2 लाख का इनाम घोषित था और सर्चिंग के दौरान ये पकड़ा गया। महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमाम सीमावर्ती इलाके, इन तमाम राज्यों के जहां पर नक्सली सक्रियता बढ़ने के साथ साथ
सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन भी। चलिए सीधे आपको कांकेर लिए चलेंगे, इससे कि खेम नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेम नारायण, इस कार्रवाई को लेकर तो सूचना दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ जो सक्रियता नक्सलियों की बढ़ रही है उसके खिलाफ कोई खास रणनीति सुरक्षा बलों की? जी देखिए, इस वक्त जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कांकेर कह लीजिए, नारायणपुर जिला कह लीजिए, और साथ में जो सीमावर्ती राज्य है महाराष्ट्र के, जो गढ़चिरौली और चंद्रपुर जैसे जो जिले हैं वो जाकर कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना के सीमा से मिलते हैं। और इस वक्त जो है नक्सली जो है अभी वर्तमान में 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक PLG GA सप्ताह मनाने का जो है अपील कर रहे हैं, और जो है लगातार जो है इन क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा कोई ना कोई बड़ा कारनामा को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो जो सुरक्षा बल के जवान हैं और जो लोकल जिला पुलिस बल के जो जवान हैं जिनका स्पेशल फोर्स गठित किया गया है, वो जंगलों में लगातार अपना सर्चिंग अभियान तेज किए हुए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी सफलता मिलती है कि क्षेत्रों से जो है IED बरामद किए जाते हैं, तो सूचना के आधार पर कई नक्सलियों को जो है पकड़ने में भी उन्हें बड़ी सफलता मिल रही है। वहीं महाराष्ट्र के जो गढ़चिरौली जिला पुलिस को जो है कल 2 लाख के इनामी नक्सली महेंद्र किस्तैया को पकड़ने में कामयाबी मिली है, और महेंद्र किस्तैया जो है सर्चिंग पार्टियों के निगरानी के लिए नक्सलियों द्वारा भेजा गया था, और निगरानी करते हुए उसे जो जवानों ने पकड़ लिया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और एक तरफ नक्सल समस्या को लेकर आपको जानकारी दे रहे थे, इधर बात राजनांदगांव की भी कर लेते हैं, जहां पर अपराधी बेलगाम है। लूट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 3 आरोपी जिनमें से नाबालिग भी हैं। लूट की रकम, मोबाइल, बाइक जब्त किए गए हैं। बता दें राहगीरों को लूटा करते थे ये सब। लालबाग थाना के फरहत चौक का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां से लूट के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3 आरोपी इसमें नाबालिग बताए जा रहे हैं। लूट की रकम भी इनसे बरामद की गई है, साथ ही साथ मोबाइल बाइक जब्त किया गया है। राहगीरों को लूटने का काम ये किया करते थे। लालबाग थाना के फरहत चौक का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली है, और जो भी इनके पास लूट का सामान था वो भी जब्त कर लिया है, और पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है, पूछताछ हो रही है। तो अभी तक कहां कहां लूट की वारदात को अंजाम दे चुके थे और कितनी सक्रियता थी, कौन कौन इनके साथ शामिल रहता था, सभी पहलुओं पर अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल इन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 इसमें नाबालिग बताए जा रहे हैं। इनके पास से लूट की रकम, मोबाइल और बाइक भी जब्त की गई है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। राजनांदगांव से बड़ी खबर की बात करते हैं। पुलिस ने बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है, एक लग्जरी गाड़ी भी जब्त की गई है। और आपको बताएं कि पुलिस को देखकर आरोपी चालक वहां से फरार हो गया, लग्जरी गाड़ी से शराब मिली है। मोहारा पुलिस चौकी के करेला का ये पूरा मामला, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। राजनांदगांव से एक और आपराधिक घटना, लग्जरी गाड़ी जब्त की जा चुकी है, अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, बड़ी मात्रा में मिला, और अंग्रेजी शराब का उस समय मिलना जब उसके बाद तमाम सवाल कनेक्शंस को लेकर खड़े हो गए। तो पुलिस को देखकर आरोपी चालक फरार हो गया। तस्करी कौन कर रहा था, कहां तक ले जानी थी, कहां खपानी थी ये शराब, ये प्रमुख सवाल हैं। पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी हुई है। लग्जरी गाड़ी से शराब पाई गई, मोहरा पुलिस चौकी के करेला का यह पूरा मामला, जानकारी पुलिस की तरफ से जुटाई जा रही है। और इधर छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है, दूसरे दिन भी कार्रवाई लगातार जारी रही। राजधानी में दूसरे दिन भी बुलडोजर गरजा और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अतिक्रमण हटाया गया। आपको बताया कि नगर निगम ने दूसरे दिन रोड के किनारे से ठेले और गुमटियों को हटा दिया। इस दौरान नगर निगम की टीम और पुलिस बल भी मौजूद रहा। बुलडोजर की कार्रवाई जब्बार नाला और VIP तिराहा के पास हुई। लगातार अतिक्रमण के खिलाफ के एक्शन निगम की टीम के साथ साथ पुलिस बल की तरफ से भी, रायपुर का ये जिक्र हम कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले भी ठेले गुमटियों को हटाने को लेकर जानकारी सामने आई थी। बिलासपुर में भी इसी प्रकार का सिलसिला आपने देखा था।
और रायपुर में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन किस प्रकार जारी रहा उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नोटिस दिए जाने के बावजूद जवाब ना आना, कब्जा ना हटाना, तमाम ये चीजें जो देखी गई, तो उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जनता को राहत दिलाने के लिए पहले भी यहाँ पर हटाए थे और इनको चेतावनी दिए थे कि यहाँ पर पुनः गाड़ी नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने लगाया, तो आज हम जब्ती की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है। शहर में लगभग सभी जगहों पे ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर भी 23 के करीब ठेले हैं जिनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे जहाँ पर भी सड़क साइड पर ठेले लगाए हैं जो जिन लोगों ने और जिनसे ट्रैफिक की समस्या होती है, ऐसे जगहों पे चिन्हित करके और कार्रवाई की जा रही है। तो पूरे रायपुर शहर में 10 जोनों में अलग अलग कार्रवाई चल रही है। हमारे जोन में अभी तक 23 कब्जे हटाए जा चुके हैं। कब्जे हटाए जाने का निरंतर ये अभियान चल रहा है। कल भी हटाए गए थे, आज भी हटाए जा रहे हैं। और भिलाई और बिलासपुर में भी बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। भिलाई में चखना सेंटर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। वैध रूप से चलाए जा रहे इन सेंटर्स को बंद करवाया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम, पुलिस आयुक्त और एएसपी मौजूद रहे। ये बड़ी कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ये लगातार कार्रवाई हो रही है। एक बार फिर से बुलडोजर चला है ये कार्रवाई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इस दौरान विरोध की तस्वीरें भी हमें देखने को मिली। कुछ लोग विरोध भी करते आए। लंबे वक्त से इन्हें नोटिस भी दिया जा रहा था पर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अतिक्रमण करा हुआ था। और अब जो है कार्रवाई लगातार जारी है। नगर निगम की सक्रियता पूरी तरह से नजर आ रही है और भी जहां जहां पर हैं अतिक्रमण इस तरह के, उन पर भी जल्द बुलडोजर चलेगा। दुर्ग में महादेव ऐप के आरोपी असीम दास के पिता सुशील दास का शव मिला है। अछोटी गांव में एक कुएं में संदिग्ध हालत में सुशील दास का शव मिला। तो मौत कैसे हुई इसकी पड़ताल फिलहाल की जा रही है और खुदकुशी की आशंका भी इस ओर है। तो दोनों ही मामलों को लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है। असीम दास के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी भी की थी। हालांकि करोड़ों रुपए इसके हवाले से जब्त हुए थे, तो हो सकता है कि आत्महत्या का भी एक केस हो। तो दोनों ही एंगल पुलिस के सामने है। अभी परिजनों से भी पूछताछ की कोशिश के अवसाद जैसे कोई कारण तो नहीं रहे। असीम दास के पिता का शव पाया गया, संदिग्ध हालत में शव पाया गया है। हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से पुलिस की जांच लगातार जारी। और अब खबर जांजगीर चांपा से है जहां शिक्षा विभाग में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में संचालित समग्र शिक्षा विभाग के कार्यालय की छत गिर गई थी और हादसे के वक्त प्रभारी अधिकारी के साथ अन्य कर्मचारी काम कर रहे थे, तभी कार्यालय की छत गिर गई और इस हादसे में 2 कर्मचारियों को चोट आई है, तो वहीं अन्य कर्मचारी सुरक्षित हैं। समग्र शिक्षा के जिला कार्यालय भवन के जर्जर हालत को सुधारने के लिए कई बार शासन प्रशासन से पत्राचार किया गया, लेकिन समस्या के स्थायी निराकरण के लिए कार्रवाई नहीं की गई। आन बैठ के नरेंद्र पटेल के सामने ऑफिशियल काम कर रहे थे, तो अचानक से बहुत जोर से आवाज़ आई, तो हम लोग सब अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपे और ये बिल्डिंग थोड़ा तो थोड़ा होश में आया तो देखा तो बिल्डिंग थोड़ा गिर चुका था पूरा। कहाँ पे चोट आई? जी सर, सर में ही थोड़ा चोट आई है। अरे चोट तो आई है भाई, ये पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी, और इसमें रहना मुश्किल है, इसमें ऑफिस में बैठ करके काम करना मुश्किल है ना। मेरे ऑफिस के अंतर्गत हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है नरेंद्र पटेल बैठे थे, अकाउंटेंट सोनी बैठे थे, सोनी जी को चोट आई है ना, और उसके बाद में तो यहाँ पर सभी जगह चूह रहा है। और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मिचौंग का असर बरकरार है, तापमान में भी गिरावट आई है। तो तेज बारिश के चलते ठंड भी लगातार बढ़ रही है। 5 संभाग ऐसे हैं जहां पर ठंड की ठिठुरन एक बार फिर से महसूस होती हुई। दक्षिण बस्तर में 2 दिनों से बारिश लगातार चल रही है। तापमान 6 से 8 डिग्री तक कम हो चुका है और इसी का ये नतीजा कि लगातार किसान भी परेशानी झेल रहे हैं। रायपुर का जिक्र करते हैं तो राजधानी में तो झमाझम बारिश आपने देखी, मिचौंग तूफान का जिसमें असर भी दिखा है, और अब लगातार 2 से 3 दिनों तक इसी प्रकार का मौसम बने रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जाहिर किया गया है। अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले पेंड्रा मुंगेली का भी जिसमें जिक्र था,
अलग अलग जगह जहां पर बारिश दर्ज की जा रही है। राजधानी के भी यही हाल है, दक्षिण बस्तर में भी यही, जहां बारिश के साथ साथ ठिठुरन लगातार बढ़ती। तो तेज बारिश के चलते ठंड की दस्तक, तापमान 6 से 8 डिग्री तक कम हो चुका है। मौसम की तरफ से लगातार करवट ली जा रही है। आप ये समझ सकते हैं कि दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है, अच्छी खासी ठंड पड़ने के आसार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।